हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस कढ़ी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बनाइएगा आज कान्हा जी की। गाइस छठी है और छठी वाले दिन बनाएंगे झटपट कढ़ी और कढ़ी प्रसादी में भोग लगाएंगे कान्हा जी के लिए। तो कढ़ी बनाने के लिए गाइस मैंने लिया है एक कटोरा बेसन। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो ये बेसन ले लेंगे, बेसन को छान लेंगे और छानने के बाद आप देखिएगा कि बेसन थोड़ा सा हल्का सा मोटा हो, बिल्कुल जस्ट एकदम महीन ना हो। तो गाइस मैंने थोड़ा सा मोटा ही बेसन लिया है, तो इससे बनाएंगे परफेक्ट कढ़ी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। कहीं जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो देखिएगा। तो अब क्या करेंगे, तो गाइस बेसन को सबसे पहले तो छान लिए, तो अब इसको थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे कढ़ी के लिए। तो इंडियन कढ़ी गाइस इस तरीके से बनती है, आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। और मैंने लिया है खट्टा दही, खट्टा दही जो खट्टा ही लेना है, नॉर्मल दही नहीं। तो इस तरीके से मैंने आधा कटोरा खट्टा दही ले लिया है। पहले क्या करेंगे गाइस, थोड़ा सा बेसन निकाल देंगे और अपनी क्वांटिटी के अनुसार आप बना सकते हैं, आपके फैमिली में जितने भी मेम्बर हों उस हिसाब से आप बेसन ले लीजिएगा। इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लेंगे, ना गरम नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मल जैसा होता है वैसा लेना है। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस से आप गाइस कढ़ी बना सकते हैं। मथुरा में बहुत ही ज़्यादा कान्हा जी को पसंद है और मथुरा में बिल्कुल ऐसी ही कढ़ी का भोग बनता है, तो इसी तरीके से आप बनाइएगा। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी डालेंगे और इस तरीके से इसको पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसको फेटेंगे और जितना अच्छे से फेटेंगे उतना ही आपकी कढ़ी की पकौड़ियाँ खूब फूलेंगी। गाइस मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इस तरीके से एक ही राउंड में इसको फेटना है और इसी तरीके से फेटते रहेंगे और इसमें लस आ जाएगा फेटते फेटते। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, अब परफेक्ट है। अब इससे ज़्यादा नहीं पानी, पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं गाइस, मैंने एक गिलास पानी दिया था, आधा गिलास पानी लग गया है एक कटोरा बेसन में। और इस तरीके से फेट लेंगे और जितने अच्छे से फेटेंगे और पकौड़ी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। और फेटने में ऐसे तरीके से आवाज आनी चाहिए। फेटते फेटते गाइस आप देख सकते हैं कितना हल्का हो गया है और ये पेस्ट भी परफेक्ट तैयार हो गया है। इस तरीके से जब गिराएंगे तो एक ही राउंड में गिरना चाहिए, ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पतला होगा तो आपकी पकौड़ी परफेक्ट नहीं बनेगी। इस तरीके से ये फेट लिया है, अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में कड़वा तेल डालेंगे, कड़वे तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है, समथिंग एक चमचा ही ऑयल डालना है। और पकौड़ी कम तेल में आपकी पकौड़ियाँ देखेंगे कितनी फूल के बड़ी होंगी। और अगर आप ज़्यादा तेल डालेंगे तो आपकी पकौड़ी बिल्कुल नहीं फूलेगी। तो गाइस इस सीक्रेट बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाए तो तेल की क्वांटिटी आधे चम्मच से भी कम रखें। और बेसन को खूब अच्छे से फेंट लेंगे और ऑयल गर्म हो चुका है। अगर आपने तेल ज़्यादा डाल दिया तो आपकी परफेक्ट पकौड़ियाँ बनकर तैयार नहीं होंगी। तो जो मैंने पेस्ट तैयार किया था तो इसको एक बार फिर फेंट लेंगे, जितना अच्छे से फेंटेंगे उतनी अच्छी आपकी पकौड़ी बनने वाली है। तो ऑयल तो गर्म हो गया है, अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरीके से कस के फेंट लेंगे। ऑयल को आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से गरम कर लेंगे, धुआं निकलने लगा है ऑयल में। अब आप इसकी फेटने की आवाज़ से पता कर रही होंगी कि मैं किस तरीके से फेट रही हूँ। अब ये फिट चुका है, अब इस तरीके से साइड से ले लेंगे बेसन हाथ में और इस तरीके से पकौड़ी छोटी छोटी सी बनाएंगे। जितनी छोटी चाहें तो छोटी बनाइएगा, बड़ी चाहें तो बड़ी बनाइएगा। तो आप गोल देख सकते हैं कि कितना मैंने गाढ़ा ही बनाया है।
आप देख सकते हैं गाइस किस तरीके से पकौड़ी फूल के डबल हो रही है। जितना तेल कम रखेंगे उतनी ही आपकी पकौड़ी ज़्यादा फूलने वाली है। थोड़ा थोड़ा लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितनी जगह हो उतनी ही डालिएगा। गैस का टेम्परेचर हाई रखेंगे, लो नहीं करना है बिल्कुल भी। इस तरीके से सारी पकौड़ियाँ डाल दिए और इसको पलट देंगे। तो काइस कान्हा जी की छठी में आप इस तरीके से कड़ी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कड़ी। और भोग लगाएंगे कान्हा जी के लिए, ठाकुर जी के लिए। आप लोगों ने गाइस छठी किस दिन करी है कमेंट में बताइएगा। मैं तो मंगलवार को कर रही हूँ। मंगलवार को गाइस मथुरा वृंदावन में भी छठी है, और जो 11 तारीख को छठी भी 11 तारीख को भी बहुत से लोगों ने की है। 11 तारीख को चूँकि संडे को एकादशी थी, एकादशी से 11 तारीख को 11 से 12 लग जाती है, तो 12 में वृंदावन में छठी नहीं मनाई गई थी, तो छठी गाइस मंगलवार को ही मनाई गई है 12 तारीख को। तो आज मैं छठी कर रही हूँ कान्हा जी की। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से फूल गई हैं। अब इसको निकाल लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं, और चाहे तो पकौड़ी इसी तरीके से और बना लेंगे। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कड़ी के लिए पकौड़ी बना सकते हैं। पकौड़ी की वीडियो गाइस आपको कैसी लगी, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से डबल पकौड़ी बनी है और स्पंजी कितनी है। तो कड़ी के लिए इसी तरीके से आप पकौड़ी बनाएंगे तो आपकी कड़ी में पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा फूलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इस एक एक पकौड़ी आप देख सकते हैं इस तरीके से फूल के डबल हो गई है, तो पीस से कट लग जाता है जितना कम तेल होगा, और इस तरीके से फूल जाएगी। और ये खमीर जैसा छोटा सा छोटे छोटे से बूंदी जैसे दाने भी हो जाते हैं इसमें, खमीर जैसे। इस तरीके से परफेक्ट पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप कमेंट बताइएगा कड़ी बनाने के लिए पकौड़ी की वीडियो कैसी बनी है। अब चलते हैं कड़ी बनाएंगे कैसे, तो कड़ी बनाने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। कड़ी बनाने के लिए गैस जो तेल की क्वांटिटी आप देख सकते हैं आधे चम्मच से भी थोड़ा कम मैंने तेल लिया है, और तेल थोड़ा सा और डाला है, और ये गर्म हो गया है। इस तरीके से गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और कड़ी के लिए घोल परफेक्ट तैयार कर लेंगे। कड़ी का घोल तैयार करने के लिए जो मैंने पकौड़ी बनाई थी उसी में हमने थोड़ा सा बेसन छोड़ दिया है। आधा बेसन की पकौड़ी बनाई है, एक कटोरे में आधा कटोरी की बेसन की पकौड़ी बनाई है, आधा कटोरा ये घोल घुला हुआ है। इसमें डाल देंगे गाइस खट्टा दही। खट्टा दही अपनी क्वान्टिटी के अनुसार डाल सकते हैं इस तरीके से। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें पानी डाल देंगे। आप चाहें तो छाछ भी डाल सकते हैं, मट्ठा, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और मथानी से मत लेंगे। तो इस तरीके से गैस कड़ी के लिए घोल परफेक्ट तैयार हो गया है। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हींग। हींग गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर और इसमें डालेंगे पानी। तो हल्दी को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें जो घोल तैयार किया था वो डाल देंगे। इसमें डालेंगे पानी और इसको चलाएंगे। और जो मथानी है इससे फिर दोबारा से फेंट देंगे। तो ये गाइस कड़ी के लिए घोल में उबाल आने का इंतजार करेंगे।
गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और गैस के पास ही खड़े रहना है। अगर गैस के पास नहीं खड़े होंगे तो आपकी ये कड़ी जो है ऊफन के बाहर आ जाएगी और ये आपकी गैस का चूल्हा भी खराब हो जाएगा। तो गैस यहीं पर खड़े रहिएगा और इसको चलाते रहिएगा। तो इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे और इसमें खौल आने का इंतजार करेंगे। जब इसमें खौल आ जाएगी तो गैस को लो फ्लेम पर कर देना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ही खौल लगानी है। गोल अगर गैस गाढ़ा हो तो इसमें पानी ऐड कर देंगे और गोल को थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि थोड़ा परफेक्ट गाढ़ा है इसमें, समथिंग मैंने 4 गिलास पानी ऐड करा है। और इसको चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हल्दी का कलर भी कितना अच्छा आया है। और इस तरीके से कढ़ी बनकर तैयार हो रही है और इसमें इंतज़ार है खौल का। सो गैस आप देख सकते हैं कि कढ़ी में इस तरीके से खौल आ रही है। समथिंग आधा घंटा हो गया है और मैं इसको कड़ी को खूब अच्छे से खौल लगा रही हूँ। और खौल लगाने के बाद इसमें अच्छे से परफेक्ट खौल आ चुकी है। और इसको जितना देर तक, समथिंग आधे घंटा आप कड़ी में देख लीजिए और गैस को लो फ्लेम पर कर दीजिए और इसमें खौल आने दीजिए। तो इस तरीके से जब खौल होने के बाद ये रसा की ग्रेवी भी आपकी बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी बढ़िया। और ये परफेक्ट कड़ी बनकर तैयार हो गई है और जितनी अच्छे से खौलेगी उतनी अच्छे से आपकी कड़ी बनेगी। तो ये अच्छे से खोल चुकी है, गैस को मैंने कर दिया था लो। अब मैं इसमें डालूंगी पकौड़ी, पकौड़ी जो मैंने अभी बनाई थी कढ़ी के लिए। तो इसमें जब अच्छे से खोल आ जानी है और समथिंग आधे घंटे के बाद ही इसमें पकौड़ी डालिएगा। तो पकौड़ी आप इस तरीके से डायरेक्ट नहीं डालिएगा, अगर आप डायरेक्ट पकौड़ियाँ डाल देंगे तो आपकी पकौड़ियाँ जो हैं फूलेंगी नहीं। आप देख सकते हैं कि पकौड़ियाँ कितनी अच्छी डबल होकर फूली हैं। तो इसको इस तरीके से दबा देंगे। दबाने से क्या रहता है, जब ये बीच से चटक जाती है पकौड़ी तो इसके अंदर जब रसा भरेगा तो आपकी कढ़ी की पकौड़ियाँ फूल के डबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो कढ़ी की पकौड़ियाँ डालने के लिए दोनों हाथों में इस तरीके से उठा लेंगे पकौड़ी और दोनों हाथों से इस तरीके से दबाएंगे। आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से जब ये दबाएंगे तो ये चटक जाती हैं पकौड़ियाँ आपस में। अब इसमें पकौड़ी डाल देंगे तो सारी पकौड़ियाँ इस तरीके से डाल देंगे। तो ये गई पकौड़ी। अब पकौड़ी डालने के बाद इसमें खौल गाइस थोड़ी सी कम लगानी है। बस इसको घड़ी देख के मुश्किल से 15 मिनट तक इसमें खौल लगानी है। 15 मिनट के बाद इसको गैस को ऑफ कर देना है। अगर 15 मिनट से आधा घंटे तक आप इसमें खौल लगाएंगे तो ये पकौड़ियाँ खोलते खोलते आपकी ये टाइट हो जाएंगी। और टाइट हो जाएंगी तो कड़ी परफेक्ट नहीं बनेगी और आपको अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से आप पकौड़ियाँ तभी डालिएगा जब रसा अच्छे से खौल जाएगा तभी। अब इसमें इंतजार है खौल का, ये आप देख सकते हैं कि इसमें खौल आ रही है और पकौड़ियों के लिए रसा इसमें अच्छे से भर जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि पकौड़ी अंदर डूबने लगी है और ऊपर सब तैरने लगी हैं। जो तैर रही हैं उनको इस तरीके से डुबा डुबा के इनको फुलाएंगे इस तरीके से। कड़ी की पकौड़ी गैस एक भी अंदर डूबेगी नहीं, अगर डूब भी जाएगी तो इसको ऊपर से निकाल लेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी पकौड़ियाँ ऊपर ही तैर रही हैं और इनको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा डुबोना है। अब इसमें खौल आने वाली है, गैस को मैंने लो फ्लेम पर ही रखा है। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। चलाएंगे इसको तो गाइस आप देख सकते हैं कि पकौड़ियाँ फूल रही हैं, ये फूल कर डबल हो रही है, स्पंजी होने लगी है। मिलते हैं गैस 15 मिनट के बाद। और गैस देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से गैस को हाई फ्लेम पर कर दिया है और इसको खोल लगा रहे हैं। गैस को ऑफ कर देंगे। इस तरीके से आप कढ़ी बना सकते हैं, इसको सर्व कर लेंगे। गैस को ऑफ कर दिया है मैंने, अब इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, इसको चलाएंगे।
लास्ट में गाइस डालना है इसमें कढ़ी में नमक स्वाद अनुसार। नमक क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। नमक गाइस सबसे लास्ट में ही पड़ता है। अगर आप नमक पहले कढ़ी बनते समय लगा डाल देंगे तो आपकी कढ़ी परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी, तो लास्ट मोमेंट पर ही आपको डालना है। तो मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक। नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसमें नमक इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप खोलते समय अगर नमक डाल देंगे तो आपकी कढ़ी गाइस फट जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी, परफेक्ट नहीं बनेगी। इस तरीके से कढ़ी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। इसको सर्व कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कढ़ी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। इसमें चाहे तो आप कड़ी पत्ता और मिर्च से तड़का लगा सकते हैं, अगर तड़के वाली कड़ी चाहिए। अगर आपको प्याज वाली कड़ी चाहिए तो प्याज का तड़का लगा के इसमें इस तरीके से खा सकते हैं। मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर। इस तरीके से गाइस परफेक्ट कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से आप कढ़ी बनाकर खा सकते हैं। ये गाइस इंडियन कढ़ी है। अगर आप चाहें तो कड़ी पत्ता का भी तड़का लगा के खा सकते हैं, चाहे तो आप इसके ऊपर घी डाल के खा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो गाइस यूपी में लोग इस पकौड़ी वाली कढ़ी इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मथुरा वृंदावन में भी कढ़ी का ही भोग लगता है। कान्हा जी के लिए, ठाकुर जी के लिए आप सभी को छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरीके से गाइस आप कढ़ी बनाइएगा और कान्हा जी को भोग लगाइएगा। तो गाइस आपको कढ़ी की रेसिपी की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और खाइएगा पकौड़ी वाली कढ़ी, भोग बनाया है गैस मैंने कान्हा जी के लिए। और इसमें कान्हा जी का भोग लगे और तुलसी पत्र अगर इसमें नहीं रखेंगे भोग में तो ये भोग अधूरा रहता है। तो गैस मैंने रखा है इसमें तुलसी पत्र और कान्हा जी के लिए भोग लगाएंगे। अब ये पूरा प्रसादी बनकर तैयार हो गई है। तो कढ़ी के प्रसाद इस तरीके से आप गैस बना सकते हैं। चलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में और लगाएंगे ठाकुर जी के लिए भोग। इस तरीके से आप बनाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी कढ़ी वाली पकौड़ी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।